हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर द सूत्र एंड पापा के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने उसे नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पियोटर्स फ्रेंड आस्क फॉर ए स्टैग पार्टी। आंसर, पियोटर्स फ्रेंड आस्क्ड पियोटर फॉर ए स्टैग पार्टी बिकॉज देयर वेर र्यूमर्स ऑल अराउंड अबाउट पियोटर्स मैरिज एंड एवरीवन वाज सर्टेन दैट ही वाज गोइंग टू मैरी नेस्टिया। सो अकॉर्डिंग टू कस्टम पियोटर्स फ्रेंड आस्क्ड हिम फॉर ए स्टैग पार्टी। स्टैग पार्टी का मतलब होता है ए पार्टी फॉर ए मैन हु इज गोइंग टू गेट मैरिड और टू विच ओनली हिज मेल फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। मतलब कह सकते हैं आप सिंपल वर्ड्स में बैचलर पार्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पियोटर रियलाइज दैट एवरीवन एक्सपेक्टेड हिम टू मैरी नेस्टिया। आंसर, पियोटर रियलाइज दैट एवरीवन एक्सपेक्टेड हिम टू मैरी नेस्टिया व्हेन हिज फ्रेंड हैड टोल्ड हिम दैट एवरीवन न्यू दैट ही स्पेंट होल डेज विद कोंड्राशकिन्स डॉटर्स एट डिनर ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग वॉक टुगेदर एंड ऑल्सो गेव बंचेस ऑफ फ्लावर्स टू हर एंड पियोटर्स फ्रेंड हैड आस्क्ड फॉर अ स्टैग पार्टी ऑल्सो। So all this make him realize that everyone expected him to marry Nastya. Piotr को ये realize हो गया कि अब सब उससे expect कर रहे हैं कि वो Nastya से शादी करे, क्योंकि जब उसके friend ने ये बताया कि अब सबको ये पता चल गया है कि वो कैसे सारा दिन Nastya के घर पे रहता था, वहीं पर dinner करता था, वहीं पर evening walk पे भी जाता था और उसको bunches of flowers भी offer किया करता था। और अब तो पियोटर के फ्रेंड ने उससे स्टैग पार्टी भी मांग ली है। इन सब बातों से उसको ये रियलाइज हो चुका है कि अब सब उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नेस्टिया से मैरी करे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड कोंड्राशकिन अलाउ पियोटर टू कम टू हिज हाउस एंड मीट एनेस्थेसिया। आंसर, कोंड्राशकिन हैड 7 डॉटर्स, सम ऑफ देम आर ऑफ मैरिजेबल स्टेज। कोंड्राशकिन थॉट दैट इफ ही कुड सेटल द मैरिज ऑफ वन ऑफ हिज डॉटर एस्पेशियली नेस्टिया विद पियोटर देन इट वुड बी ए ग्रेट रिलीफ टू हिम एंड ही वुड गेट वन ऑफ हिज लायबिलिटी सेटल्ड। सो कोंड्राशकिन अलाउड पियोटर टू कम टू हिज हाउस एंड मीट एनेस्थेसिया इन द होप दैट पियोटर वुड डेवलप रिलेशंस विद एनेस्थेसिया एंड देन फेल इन लव विद हर एंड फाइनली वुड मैरी हर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कोंड्राशकिन एक्यूजेस पियोटर ऑफ इवेडिंग द इशू एंड बीइंग डिसऑनेस्ट, व्हाई। आंसर, अकॉर्डिंग टू कोंड्राशकिन पियोटर यूज्ड टू स्पेंड होल डेज विद द कोंड्राशकिन्स, डाइन देयर, टुक सपर देयर, सैंग बैलेड्स फॉर हर, वेंट फॉर वॉक्स विद नेस्टिया एंड ऑल्सो गेव बंचेस ऑफ फ्लावर्स टू हर। पियोटर बिहेव्ड लाइक ए सूटर बट ऑल इन ए सडन ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस विदाउट मैरिंग नेस्टिया। That is why Kondrashkin accuses Pyotr of evading the issue and being dishonest for cheating Nastya and not marrying with her. हमारा fifth question है, the more Pyotr Petrovich tries to avoid getting hitched to Anastasia, the more Kondrashkin pushes him to commit himself. List Pyotr's many reasons for not proposing to Anastasia and Kondrashkin's rebuttals. Answer, Pyotr presents a number of reasons to run away from proposing to Anastasia. Point number one, Pyotr said that his conviction and view was different from Anastasia. Their view cannot match each other. Kondrashkin countered this argument by saying that all men and women have different views and convictions and never meet any woman who shared the same views. Second point, Pyotr said that he was unworthy for Anastasia because he was a poor man. The Kondrashkin reminds Pyotr that he was a salaried man. Point number three, Pyotr said that he was a drunkard. Kondrashkin said that he did not believe that Pyotr took a drink. Point number four, Pyotr said that he took a bribe. Then Kondrashkin reminds him that everyone in this world took a bribe. Point number 5. Next, Pyotr goes a little more dramatic and said that he could be arrested at any time for robbery. At this, Kondrashkin goes silent for a while and predicts that Milkin will be sent Siberian jail if he caught. He said that Anastasia will follow him to jail as her love is pure. तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।